खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है। बड़ी खबर है, गायों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? बस्ती जिले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट गौशाला। बस्ती जिले का आपको दिखाते हैं तस्वीर। तस्वीरों में पूरी तरह से फ्लॉप होता नजर आ रहा है गौशाला का ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का। अधिकारी और कर्मचारी सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट गौशाला का लगा रहे हैं चूना। देखिए खास रिपोर्ट। क्या एक गौवंश अभी यहाँ कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि आज इस बार मरी है और उसको मिट्टी देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसी के बगल में आप ये देखें पीछे नगर पालिका का डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहाँ नगर पालिका शहर से ला के कूड़े को यहाँ गिराया जाता है, लेकिन वहाँ कम से कम दर्जनों गाय मरी पड़ी हुई हैं और सड़ रही हैं। गौ माता के साथ ऐसा व्यवहार इन लोग का, चाहे वो नगर पालिका प्रशासन हो चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसकी उच्च अधिकारियों से हम लोगों की वार्ता हुई है और कार्रवाई आगे क्या होती है उस देखा जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू निषाद है, मैं हिंदू युवावाणी जनपद बस्ती जिला संयोजक। गौवंश की मृत्यु हुई है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, उसका इलाज चल रहा था, तो आज इतफाक से उसकी मौत हो गई है। उसको जो है प्रॉपर रूप से डिस्पोजल का प्रबंध किया जा रहा है। बाकी गौशाले के बाउंड्री के बगल में नगर पालिका का डंपिंग एरिया है, उसमें कुछ गौवंश के शव मिले हैं। अब उसमें नगर पालिका जो है जनपद के विभिन्न अपने क्षेत्रों से लाते कूड़ा उसके साथ हो सकता है वो लाए और रात में, तो उसके बारे में हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है कहाँ से आए कैसे आए गौवंश। जो बीमार बीमार तो जो बीमार हमका इलाज कर दिया गया है, बाकी जो भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है हम लोग मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि इनको सुरक्षित रखा जा सके, स्वस्थ रखा जा सके, और प्रयास लगातार हमारे विभाग का एज ए नोडल विभाग के नाते सबसे सामंजस्य बना के किया जाता है।